हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस का थर्ड टॉपिक, दैट इज 3 आवर्स ऑफ क्रेडिट। ओके, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं उनको। चलिए शुरू करते हैं 3 आवर्स ऑफ क्रेडिट से। 3 बेसिक कंसिड्रेशन जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए लेंडिंग एजेंसी को लोन देने से पहले और बोरोवर को बोरो करने से पहले, वो हैं ये 3, जो कि हैं रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट, सेकंड है रीपेमेंट कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है, एंड थर्ड है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से कि इनका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। यह एक इम्पॉर्टेंट मेजर है क्रेडिट एनालाइज करने में। बैंकर को यह आइडिया होना चाहिए कि उसे कितना रिटर्न मिल सकता है उसके किए गए इन्वेस्टमेंट पर, मतलब जो उसने फार्मर को पैसे दे के इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसको रिटर्न मिल पाएगा, कितनी देर में मिलेगा और टाइमली मिल भी पाएगा या नहीं, ये उस सब उसको आइडिया होना चाहिए। क्रेडिट उसी कंडीशन में दिया जाता है जब बोरोवर उसे रिटर्न करने की क्षमता रखता हो, दैट मीन्स उसकी अगर एबिलिटी है कि वो बोरोवर या जो भी फार्मर है वो उसको रिटर्न कर सके, उसी कंडीशन को देख के ही हम उसे इन्वेस्टमेंट उस पर करता है एक बैंकर, और ना केवल उसे रिटर्न कर पाए जबकि उसकी कमाई में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, दैट मीन्स इंक्रीमेंटल इनकम, ताकि वो एडिशनल रिटर्न भी भर पाए, क्योंकि जो उसने लिया था वो वापस दे देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, और अल्टीमेटली उसको वापस से लोन के लिए जाना पड़ेगा, तो अच्छा है कि वो एडिशनल रिटर्न्स या तो भर के रखे या फिर वो अपनी इनकम से इंक्रीमेंट करे। नेक्स्ट आर है रीपेमेंट कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है बोरोवर की सारी लोन प्रॉपर टाइम पर चुका देने की क्षमता को ही रीपेमेंट कैपेसिटी कहा जाता है, दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू क्लियर ऑफ द लोन ऑब्टेंड फॉर प्रोडक्शन पर्पस विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, मतलब जो निर्धारित समय उसको दिया गया उस पर वो उसको चुका दे, उसी एबिलिटी को रीपेमेंट कैपेसिटी कहा जाता है। यह बात यहाँ ध्यान रखने की है कि बोरोवर उसे ऐसे ना यूज़ करे कि केवल उससे सिर्फ प्रॉफिट उससे मिले। ओके, उसको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि प्रॉफिट के साथ साथ वो उसको रीपे करने की भी एबिलिटी रख पाए। ओके, सो दैट उसको इन फ्यूचर वापस लोन नहीं लेना पड़े और प्रॉफिट इतना तो एटलीस्ट कमा ही ले वो उससे, सो दैट वो उसको रीपे बैक कर पाए। अगर बोरोवर यह कर सकता है तभी पॉइंट उसके फेवर में जाएगा और बैंक उसको लोन प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आर था रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ओके, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी मतलब हद तक क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, जो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं, जैसे इस साल अगस्त में आप सभी को पता है 23% ज़्यादा बारिश हो गई थी पिछले साल की बजाय, और इवन 16 साल में ये पहली बार इतनी हाई लेवल की बारिश हुई थी, ठीक है, और जिसके कारण कई स्टेट्स में हमारे इंडिया में भी बाढ़ आ चुकी थी, जैसे बिहार, नीचे केरला वगैरह, है ना, तो इससे काफ़ी लोगों को और भी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट क्रॉप का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन के कारण। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोग्रामिंग मॉडल, जिससे हम क्वालिफाई कर सकते हैं रिस्क को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम एक सवाल उठता है कि रिस्क बियरिंग एबिलिटी को हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े कि भाई बारिश से उनको रिस्क का झेलना पड़ता और ये सब, तो उससे यही सवाल है कि रिस्क बियरिंग एबिलिटी को आखिर पता कैसे लगाए, ठीक है। तो हमने देखा है कि किसी भी एंटरप्राइज़ की प्रोडक्टिविटी को हम उसके पिछले परफॉर्मेंस से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले मतलब जो पास्ट 5 to 10 years हैं उसके रिकॉर्ड से अगर हम पता लगाते हैं कि उसमें कितने ही चीज़ों का रिस्क हो सकता है या क्या क्या चीज़ों का रिस्क अभी तक था, तो हम उससे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आगे भी फ्यूचर में हमें कितना रिस्क झेलना पड़ेगा। ओके, तो हम जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है कि रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क इक्वल्स टू डिफ्लेटेड ग्रॉस रिटर्न। देखिए डिफ्लेटेड यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है टर्म, डिफ्लेटेड मतलब डिक्रीजिंग, मतलब कमी। ओके, तो कितना ग्रॉस रिटर्न में कमी हुआ है, माइनस वर्किंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड लोन, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, फैमिली लोन। देखिए क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ डिफ्लेटेड ग्रॉस रिटर्न क्या होता है। जैसे कोई फार्मर है, उसका
ग्रॉस इनकम 48,000 है, ठीक है। अब उसको लगता है कि मेरे उसका 15% का रिस्क लगता है, सपोज़ करिए कि उसको लगता है कि मुझे 15% का घाटा हो सकता है, तो आप 48% का 15% निकाल लीजिए और उसको 48,000 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 48,000 आपका ग्रॉस इनकम था, उसमें से आपने जो माइनस कर दिया उसके बाद जो बचा वो आपका डिफ्लेटेड ग्रॉस रिटर्न है, मतलब जो कमी आई है रिस्क की वजह से ग्रॉस इनकम में, वही हमारा डिफ्लेटेड ग्रॉस रिटर्न होता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्लेटेड ग्रॉस रिटर्न में से जब हम माइनस कर देते हैं हमारे दूसरे एक्सपेंसेस, तो हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क निकल के आ जाती है, ठीक है। रिस्क कम करने के और भी तरीके हैं, जैसे आप क्रॉप पे इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। आप पहले से ही अपनी सेविंग्स रखिए, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। डाउट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।